नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार भारत। खबर इस समय कानपुर आउटर से आ रही है, जहां बिजली विभाग की लापरवाही के चलते हुई युवक की मौत। बताते चले, हाई टेंशन लाइन का तार टूटकर गिरा विजय दीक्षित नाम के युवक पर। मौके पर विजय दीक्षित की हुई दर्दनाक मौत। तात्यागंज देवालपुर संपर्क मार्ग पर तार टूटकर गिरने से देर रात की थी घटना। परिजनों ने बिजली घर पर शव रखकर किया हंगामा। बिजली घर के आला अधिकारी मौके से फरार, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। परिजनों ने बिजली विभाग के आला अधिकारियों के खिलाफ दी तहरीर। बिजली विभाग अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। पूरा मामला चौबेपुर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। देखें खबर। इसी तरह खबरों और जानकारियों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। साथ ही हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। कल लगभग 9 बजे का समय था जब सूचना प्राप्त हुई परिवार को। चोर से जो तातियागंज रोड, उस पर 11,000 वोल्टेज की इधर उधर दोनों तरफ रोड पे लाइन है, वो जुड़ा हुआ ज्वाइंट था। जब सुबह हम लोगों ने देखा वो तार टूटा है और ये निकले हैं, इनके ऊपर गिरा है, ये वहीं पे गिर गए, तार पड़ा रहा है। उसके बाद परिवार के लोग पहुंचे हैं, बिजली विभाग को सूचना दी, लेकिन डर की वजह से हम लोगों ने ऐसे नहीं हटाया उसको, बांस से हटा के वो वहीं डेड हो गए थे। लेकिन रामा तक ले गए, रामा में वहाँ उनको मृत घोषित किया। हम लोग अभी प्रेजेंट में इसलिए यहाँ बैठे हुए हैं, बिजली घर इसलिए आए हुए हैं संभ्रांत लोगों के साथ। यहाँ क्षेत्र के चारों जिला पंचायत सदस्य हैं, विधायक प्रतिनिधि हैं, सब लोग टच में हैं, पुलिस कॉपरेट कर रही है, लेकिन बिजली विभाग का एक भी कोई बड़ा नुमाइंदा ना कोई बात करने को तैयार है, ना यहाँ कोई आने को तैयार है। हम कंपनसेशन की बात भी नहीं कर रहे कि हमें पत्नी को उनके नौकरी दी जाए, बच्चों को पैसा दिया जाए, हमने सिर्फ बात करने का वो किया है। अभी अधिशासी अभियंता, अवर अभियंता और जेई, तीनों लोगों के खिलाफ बाई नेम मुकदमा पंजीकृत होने के लिए थाना अध्यक्ष महोदय को दिया गया है, वो पंजीकृत हो जाएगा। हम लोग उसके बाद गिरफ्तारी की मांग रखेंगे और अपना अंतिम संस्कार जो हमें करना होगा उसके बाद हम कोर्ट द्वारा उनको किस तरीके से क्या करना किया है। किसी भी उच्च अधिकारी से किसी भी संबंध में कुछ कोई आश्वासन मिला? कोई आश्वासन सीधे परिवार के किसी व्यक्ति से कोई बात नहीं हुई है। यहाँ पुलिस के अलावा कोई हमको कोऑपरेट नहीं कर रहा है। शाम को भी थाना अध्यक्ष महोदय सीओ साहब वहाँ पहुँचे, सांत्वना दी, लेकिन जिस विभाग की वजह से घटना हुई उस विभाग का कोई भी बड़ा अधिकारी बात करने को तैयार नहीं। ये मान लिया है घोर लापरवाही के चलते घटना। लापरवाही भैया, आप देख लीजिए वहाँ पे स्कूल भी हैं, बसें अगर निकलती उस टाइम, बस निकलती या ट्रैक्टर ट्राली निकलता तो जितने लोग होते वो बहुत बड़ी दुर्घटना होती।